পাল্টিতে কাউন্সিলর খালিদ খানের খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল। অভিযুক্তের নাম টিঙ্কু শেখ ওরফে সরফরাজ। রবিবার তাকে আসানসোল বাসস্ট্যান্ড থেকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার আসানসোল আদালতে তোলা হয় তাকে। পুলিশের দাবি, এই টিঙ্কু শেখই ঘটনার মূল মাস্টারমাইন্ড। এই নির্দেশে খুন করা হয়েছিল খালেদ খানকে। পুলিশ 14 দিনের রিমান্ড প্রার্থনা করে আসানসোল আদালতে পাঠিয়েছে টিঙ্কু শেখকে। ঘটনার দিনই মোহাম্মদ খালিদের ভাই আরমান খান টিঙ্কু সহ আরো দুজনের নাম বলেছিল। পুলিশ বাকিদের সন্ধানে তল্লাশি করছে, যদিও টিঙ্কু শেখের অভিযোগ তাকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। मास्टर माइंड है, हाँ, इसका बहुत बड़ा कारोबार चलता है जानवर का। और मेरा भाई जो पार्टी का टिकट में है, तो इस लोग लगता कि इसको रहना ठीक नहीं है। बहुत शुरू से मेरा भाई को ही करता था, हम लोग दोनों भाई मिलकर समाज को लेकर चलते थे। आज मेरा कमर तोड़ दिया, मेरा भाई को मार दिया। ये लोग दो ठो बाइक, एक ठो बोलेरो था, बहुत आदमी था। ये लोग हमारा तो यहाँ से उतना दूर तक भाग के गया कि मेरा भाई का तो पूरा फैमिली ख़त्म हो गया। जितना भी आदमी मेरे ख्याल से इस केस में कम से कम 15 से 20 आदमी इन्वॉल्व होंगे। एक को पकड़ा है, बाकी अब इस सब बचा रहेगा। अगर पुलिस अगर कार्रवाई करेगा तो सब अरेस्ट होगा। अगर टिंकू से मार के पूछा जाए, इसलिए कि टिंकू का बाइक पकड़ाया है, मेरे भाई का मर्डर करके जब भागा है, इसका बाइक ही पकड़ा गया है। टिंकू को अगर टिंकू से कड़ाई करके पूछेगा तो सब बता देगा कि कैसे कैसे प्लानिंग किया गया है। It's caught in the crossfire.